मैं हरिशंकर व्यास सोचने सोचने जरूरी प्रोग्राम का अब दूसरा पार्ट या कि आज की गपशप लिए हुए हूँ। देश के कई नेताओं ने यूपीए 3 नहीं बनने देने की कसम खाई है। सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात उनमें से एक है। उनके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी कांग्रेस को भाजपा विरोधी मोर्चे से अलग रखने के हिमायती है। तभी सवाल है कि कांग्रेस अपना मोर्चा कैसे बनाए। हरकिशन सिंह सुरजीत ने यूपीए 1 बनवाया था और प्रकाश करात के कमान संभालने के 2 साल के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस का संबंध विच्छेद हो गया था। करात जिस माइंडसेट के साथ 2008 में कांग्रेस से अलग हुए थे उसी माइंडसेट में अब भी काम कर रहे हैं। इसी तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोलकाता जाकर तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। मशहूर वकील राम जेठमलानी ने अलग चिट्ठी लिखकर ममता को हवा में उड़ाया हुआ है। उधर शरद पवार की महत्वाकांक्षा अपनी जगह है जो 1991 से फान मार रही है। एक तरफ भाजपा अपना गठबंधन बना रही है, दूसरी ओर प्रादेशिक क्षत्रप आपस में एकजुटता बनाने में लगे हैं। तभी कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि अंत में वह छोटी छोटी पार्टियों के साथ अकेले रह जाए और लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर त्रिकोणात्मक बन जाए, जिसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को होगा। देश की कई प्रादेशिक पार्टियों और सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात के कांग्रेस विरोधी अभियान के बीच कांग्रेस को 3 चेहरों का भरोसा है। कांग्रेस को लग रहा है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद, जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी उनके काम आएंगे। यह महज संयोग नहीं है कि ये तीनों नेता एक जैसी जुबान बोल रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी संसद में देर तक मौजूद थे और शरद यादव और सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात की खबरें हैं। ये दोनों नेता भी देर तक संसद भवन में थे। बताया जा रहा है कि भाजपा के विरोध में गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनने से रोक के प्रयास में ये तीनों नेता काम कर रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद और शरद यादव सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। लालू प्रसाद समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद किरणमय नंदा को लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव से संपर्क रखने का जिम्मा दिया है। लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव की रिश्तेदारी भी और दोनों की एक तरह की राजनीति भी है। अगर लालू प्रसाद और शरद यादव का साझा प्रयास कामयाब हो और उत्तर प्रदेश की दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ आने को तैयार हो जाएं तो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस का साथ देंगी। लालू प्रसाद झारखंड में भी कांग्रेस का अलायंस बनवाने में सक्षम। ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ तालमेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जानकार नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी का सोनिया गांधी के प्रति पूरा सद्भाव है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ भी संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, पर राहुल के औपचारिक व्यवहार के कारण उनको ठेस लगी और वे बात आगे नहीं बढ़ा पा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से ममता बनर्जी ने राहुल के साथ कामकाजी रिश्ता बनाने का प्रयास किया। वे चाहती थी कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वय समिति बनाए जिसकी कमान किसी क्षेत्रीय पार्टी के नेता को सौंपे। उनकी मंशा थी कि राज्यों के नेता यह कार्यक्रम आयोजित करें। इस सिलसिले में उन्होंने स्टालिन से भी बात की थी और वे इसके लिए तैयार भी थे, पर ममता के सुझाव पर राहुल की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं थी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ममता ने निजी तौर पर भी राहुल के साथ कामकाजी संबंध बनाने का प्रयास किया था। वे उनको SMS भी करती थी और उस पर राहुल का जवाब बड़ा औपचारिक होता था। इससे भी ममता नाराज हुई है। हाल फिलहाल की सुर्खियों में, बहस में, जिस बात ने आपके जहन में पेठ बनाई है उसका भला क्या मतलब है और क्या है उसका और छोर। सो क्यों ने अब जाना जाए आज का खुलासा। केंद्र सरकार में आने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहा है कि राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्यसभा विधायी कामकाज में एक तरह की बाधा है। कई जानकार पहले भी ऐसा कहते रहे हैं, पर भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सरकार के ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिहाज से इसे जरूरी माना गया है। पिछले कुछ समय में इसमें 2 बड़े बदलाव आए हैं। पहला बदलाव तो कानून बदलने की वजह से है। कानून बदलकर राज्यसभा में जाने के लिए उसी राज्य का होने की शर्त को खत्म कर दिया गया। पहले यह अनिवार्य होता था कि कोई नेता जिस राज्य से राज्यसभा में जा रहा है वहां की मतदाता सूची उसका नाम हो और वहाँ उसका घर हो। कुछ समय पहले इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। जिस तरह किसी भी लोकसभा क्षेत्र का वोटर किसी भी क्षेत्र से लड़ सकता है, वैसे ही कहीं भी रजिस्टर्ड मतदाता कहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा बदलाव अपने आप हुआ है और ये देश की राजनीति के बदलते स्वरूप का संकेत है। वो बदलाव ये है कि राज्यसभा अब करोड़पति लोगों का क्लब बन गई है। एकाध अपवाद के साथ सभी पार्टियां करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं। कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण के आधार पर बताया गया था कि करोड़पति उम्मीदवार के लोकसभा चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर किसी उम्मीदवार की संपत्ति 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो दूसरे उम्मीदवार के मुकाबले उसके जीत की संभावना 50% ज्यादा होती है। तभी पार्टियों ने करोड़पति उम्मीदवार उतारने शुरू किए और स्थिति यह है कि लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या 50% से ऊपर पहुंच गई। यह देश की राजनीति में हुए बुनियादी बदलाव का संकेत है। इस बदलाव का असर राज्यसभा चुनाव पर ज्यादा हुआ है। राज्यसभा में इस समय ज्यादातर सांसद करोड़पति हैं। इस साल राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनाव में 58 सीटों
सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसके लिए देश भर से 63 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। 5 उम्मीदवार ज्यादा होने की वजह से 5 राज्यों में चुनाव की नौबत आई। इन 63 उम्मीदवारों में से 55 उम्मीदवार करोड़पति थे। इनमें से कम 2 तो ऐसे थे जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। बिहार में जदयू के प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद की संपत्ति 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, तो उत्तर प्रदेश की सपा प्रत्याशी जया बच्चन की संपत्ति भी 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। हैरानी की बात यह है कि दोनों पार्टियां गरीब, पिछड़े और अकलियत की राजनीति करने वाली हैं। करोड़पतियों के संसद में जाने की होड़ ने लोकसभा राज्यसभा की सीटों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया है। इस साल के चुनाव में भी 3 राज्यों में अरबपति उम्मीदवारों की वजह से चुनाव की नौबत आई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़े कारोबारी अनिल अग्रवाल को एक अतिरिक्त सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उतारा, तो झारखंड में लगभग जबरदस्ती दूसरी सीट जीतने के लिए वहां के बड़े कारोबारी प्रदीप संथालिया को चुनाव में उतारा। यही काम कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस ने झारखंड में धीरज प्रसाद साहू को उतारा, तो कर्नाटक में वहां के बड़े कारोबारी बीएम फारूक को उम्मीदवार बनाया। कर्नाटक में अपने हिस्से की सीट पर भाजपा के उद्योगपति राजीव चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है। ये सारे उम्मीदवार करोड़पति या अरबपति हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और भाजपा अरबपतियों को राज्यसभा में भेज रही है, प्रादेशिक पार्टियां भी ऐसा ही कर रही हैं। तभी बिहार में जदयू ने किंग महेंद्र को राज्यसभा में भेजा, तो राजद ने अशफाक करीम को। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को राज्यसभा में भेजा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, जेडीएस आदि पार्टियां भी करोड़पतियों को राज्यसभा में भेजती रही हैं। राज्यसभा की अनिवार्यता पहले कई मौकों पर प्रमाणित हुई है, इसलिए इसे खत्म करने के बारे में विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस भावना से इसका गठन किया गया था उस भावना का ख्याल रखना जरूरी है। इसे राज्यों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अफसोस की बात है कि आमतौर पर दूसरे राज्य से आने वाले राज्यसभा सांसद उस राज्य के हितों की बात नहीं उठाते। ये ध्यान नहीं है कि कभी मनमोहन सिंह ने असम के लिए कोई बात उठाई हो या सुरेश प्रभु आंध्र प्रदेश के हित में कोई मांग उठा रहे हों। इसी तरह करोड़पति अरबपति राज्यसभा सांसदों को भी संसदीय कार्यवाही से कोई मतलब नहीं होता और वो राज्य के देश की जनता के हित में कोई बात नहीं उठाते हैं। तमाम करोड़पति सांसदों के अपने हित होते हैं और वो संसदीय समितियों के सदस्य बनकर उन हितों को पूरा करते हैं। इसके अपवाद भी होंगे, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले राज्यसभा सांसद और सिर्फ पैसे के दम पर संसद पहुंचने वाले सांसद बहुत उपयोगी नहीं होते। इसके अलावा बड़ी संख्या में करोड़पति अरबपति सांसद बनने से संसदीय प्रक्रिया के प्रति लोगों में उदासीनता आ रही है, जो लंबे समय से लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।